गाइस आज की कहानी है कुछ स्पेशल क्रिएचर्स की जो जंगलों में रहने वाले जानवरों से थोड़े से डिफरेंट थे। इसी के कारण उनकी कहानी भी अलग है। कैसा हो कि जब उन्हीं में से एक क्रिएचर बाकी सारे जानवरों से पीछे रह जाए और जिसके बाद उसे अपनी आइडेंटिटी मिल जाए कि आखिर वो जानवर कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी ऐसे ही बहुत प्यारे से जंगल में चलते हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक विनय नाम के छोटे से क्रिएचर से होती है जो कि अपने फादर के पास आ रहा था। विनय आके अपने डैड को बताता है कि आज उसने नए दोस्त बनाए हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके डैड आज एक बार फिर से अपना बैग पूरी तरीके से पैक कर चुके हैं। पता चलता है कि ये क्रिएचर्स एक ही जगह पे ज्यादा टाइम तक नहीं रुकते हैं। इसी कारण फिनी कहता है कि वो अब इस जगह से नहीं जाएगा। फिनी के डैड बताते हैं कि इस बार मैंने बैग पैक इसलिए किया है क्योंकि जल्द ही यहाँ पे बाढ़ आने वाली है और जंगल के अंदर मीटिंग है। सारे जानवरों को वहाँ पे मिलने के लिए बुलाया है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी ट्रबल में फंस जाओ। उसी समय बहुत तेज बारिश आ जाती है। इसी के कारण फिनी और उसके डैड बाकी जानवरों के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जानवर इकट्ठा हो चुके थे। सारे जानवर डरे हुए थे। फिनी और उसके डैड भी बाकी जानवरों के साथ लाइन में लग जाते हैं। जंगल का राजा शेर सारे जानवरों को बाढ़ के आने के बारे में बताता है। शेर बताता है कि सबकी जान बचाने के लिए इन्होंने एक नया प्लान बनाया है। ये सारे के सारे जानवर एक नाव के ऊपर चले जाएंगे। ऐसी बोट जो कि इन्हीं के जानवरों में से किसी ने बनाई है। वहाँ का कैप्टन भी यही शेर रहेगा। बोट पे चढ़ने से पहले कुछ रूल्स भी है। अगर सबको एक साथ में मिलजुल के रहना है तो कोई भी ऐसा जानवर जो कि दूसरे जानवरों को खाता है वो किसी भी जानवर को नहीं खाएगा। ऊपर से सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जिसका भी नाम इस लिस्ट के अंदर नहीं है वो इस नाव के ऊपर नहीं चढ़ सकता है। यानी कि लिस्ट में अगर किसी का नाम नहीं होगा तो वो बेचारा जंगल में रह जाएगा। जिसके बाद शेर और उसकी पूरी टीम मिलके अब हर एक जानवरों का बायोडेटा निकालने लगता है कि वो जानवर इस जंगल में कब से रह रहा है। बारी जब फिनी की आती है और उसके डैड की आती है तो कैप्टन पूछते हैं कि आखिर तुम कहाँ से आए हो, क्योंकि तुम्हारा नाम तो हमारे जंगल वाले लोगों की लिस्ट में नहीं है। फिनी कहता है कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर मेरा घर कहाँ पे है। हम बस इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारा कोई घर फिक्स नहीं है। यही रीजन था कि फिनी और उसके डैड का जंगल वाले जानवरों की लिस्ट में नाम नहीं था। कैप्टन ने फिनी और उसके डैड को यहाँ से बाहर निकाल दिया था। इसी समय यहाँ पे एक और एनिमल्स आते हैं। उस छोटी सी एनिमल का नाम लिया था जो कि अपनी मॉम के साथ यहाँ पे आई थी। इस फैमिली का नाम बोट पे जाने वाली लिस्ट में था। बाकी सारे एनिमल्स बोट पे चढ़ने का वेट कर रहे थे। अब जब फिनी और उसके डैड बोट पे नहीं जा रहे थे तो इतनी ही देर में फिनी के डैड ने बहुत अच्छा घर बना लिया था क्योंकि घर बनाने में वो माहिर थे। फिनी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि बाकी सारे जानवर यहाँ से चले जाएंगे और फिनी यहीं पे रह जाएगा। उसे उदास देख के उसके फादर बताते हैं कि वो उसे वादा करते हैं कि कुछ भी करके वो उसे बोट तक पहुँचा देंगे। टाइम था अब सारे जानवरों की बोर्डिंग का, यानी कि सारे जानवर अब सिक्योरिटी से होके अंदर जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे तभी दो और एनिमल्स थे जो कि चोरी छुपे इस बोट के अंदर घुसना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी पे खड़े बड़े से चिंपैंजी ने उन्हें पहचान लिया और बहुत दूर फेंक दिया। फिनी इस चीज को देख के डरा हुआ था। तब तक फिनी के डैड आते हैं जिन्होंने अपना पूरा हुलिया बदल लिया था ताकि कोई भी सिक्योरिटी उन्हें पहचान न सके। फिनी और उसके डैड असल के अंदर लिया की फैमिली के पास पहुँचते हैं। वो दोनों उनके जैसे दिखने की कोशिश करते हैं। लिया की मॉम फिनी के फादर पे गुस्सा करने लगती है और कहती है कि मैं सबके सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को लगता है कि ये फैमिली आपस में ही झगड़ा कर रही है। तो सिक्योरिटी पे खड़े चिंपैंजी और बाकी जानवर कहते हैं कि अंदर जाके लड़ना, यहाँ पे लड़ने की जरूरत नहीं है। लिया को लगता है कि कहीं इस झगड़े के अंदर बेचारे ये लोग पीछे ना रह जाए। इसी के कारण सिक्योरिटी को क्लियर करते हुए अंदर चली जाती है। यहाँ फिनी अब लिया से फ्रेंडशिप करने की सोचता है, लेकिन लिया जो थी उसे किसी से फ्रेंडशिप नहीं करनी थी। लिया को तो आने वाली बाढ़ देखनी थी और फिनी उसका पीछा करते करते ऊपर तक आ जाता है। इसी समय सिक्योरिटी चिंपैंजी यहाँ पे पहुंच जाता है जो कि इन बच्चों की शरारतों के कारण इन्हें पकड़ने वाला था। ये दोनों ही बहुत बुरी तरीके से भागते हैं। इतनी ही देर में पता चलता है कि सिक्योरिटी चिंपैंजी बुरी तरीके से डर गया और नीचे भाग गया है। पता चलता है कि पीछे से बाढ़ आ रही है और गलती से ये दोनों भागते भागते नाव से बाहर आ गए थे। बाढ़ आने के कारण नाव ने अपनी स्पीड पकड़ ली थी और वो आगे चली जाती है और ये दोनों पीछे रह जाते हैं। वही दो पक्षी जिन्हें बाहर निकाल दिया गया था बोट से, उन पक्षियों ने फिनी और लिया को पकड़ लिया था। फिनी जब भी डरता था तो उसके अंदर से बहुत बुरी गैस निकला करती थी। इसी चक्कर के अंदर उड़ने वाला पक्षी इन दोनों को ही छोड़ देता है, जहां ये दोनों ही वापस एक आइलैंड पे गिर जाते हैं। दूसरी तरफ बोट के अंदर लिया और फिनी दोनों के पेरेंट्स इन दोनों को ढूंढने लगते हैं, जिसके बाद फिनी चाहता था कि वो लिया के साथ फ्रेंडशिप करे और ये लोग मिलकर एक घर बना ले ताकि ये दोनों मिलकर सेफ रह सके। लेकिन लिया उसे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती थी। वो कहती है कि तुम्हें अपना देखना चाहिए, मैं अपना रास्ता खुद चुन सकती हूँ। लिया को घर बनाना नहीं आता था, इसी के कारण वो पत्तों के अंदर छुप जाती है और रात में तेज बारिश के कारण वो टूट जाता है। तब ना चाहते हुए भी जब वो फिनी के पास आती है तो उसे बहुत चमकता हुआ घर दिखाई देता है। वो घर तक पहुंच जाती है। फिनी जब दरवाजा खोलता है तो लिया को पता चलता है कि फिनी बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? तो फिनी कहता है कि पता नहीं कैसे लेकिन हम लोग अंधेरे में चमकते हैं। लिया अभी भी गुस्से के अंदर ही थी और फिनी को बताती है कि मैं बस यहाँ पे आज रात के लिए रुकूंगी और कल यहाँ से चली जाऊंगी। फिनी और लिया के पेरेंट्स बोट के ऊपर परेशान हो रहे थे। वो पूरी बोट पे इन बच्चों को ढूंढ चुके थे लेकिन तब भी ये बच्चे नहीं मिल रहे थे। इसी चक्कर के अंदर फिनी के डैड की असलियत सबके सामने आ जाती है। इसी चक्कर में अब इन दोनों को ही जेल में डाल दिया जाता है। लिया की मॉम कैप्टन को कहती है कि आप प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश करिए, हमारे बच्चे पीछे रह गए हैं और हमें बोट को वापस लेके जाना पड़ेगा। लेकिन कैप्टन उनकी बात नहीं मानता। अगले दिन हमें पता चलता है कि फिनी और लिया किनारे तक पहुंच गए थे क्योंकि ये आइलैंड भी जल्द ही डूबने वाला था। फिनी ने तो खुद के लिए अच्छी सी बोट बना ली थी। ये लोग यहाँ से जाने ही वाले थे लेकिन पता चलता है कि हवा के कारण वो बोट बहुत दूर चली जाती है। इसी चक्कर में वो उड़ने वाले पक्षी लिया और फिनी के ऊपर एक बार फिर से अटैक कर देते हैं। ये दोनों बचते बचते एक बहुत बड़े क्रीचर के पास पहुंच जाते हैं। वो बड़ा सा क्रीचर इन दोनों की हेल्प करता है और उन उड़ने वाले पक्षियों को इतनी जोर से फूंक देता है कि वो बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं। इस बड़े से क्रीचर का नाम ओबीसी था जो कि पानी से बहुत डरता था। ओबीसी के साथ उसका एक फ्रेंड जिसका नाम स्टेपुट था, वो भी साथ ही रहा करता था। ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। ओबीसी फिनी को बताता है कि हमारा नाम भी नहीं था बोट की लिस्ट में, तो फिनी कहता है कि हम भी वहीं जा रहे हैं, इससे अच्छा होगा कि तुम भी हमारे साथ ही चलो। लिया इन दोनों जानवरों को अपने साथ ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन फिनी कहता है कि नहीं, तुम हमारे साथ ही चलो। वो कहता है कि हम सब फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे की हेल्प करना ही तो हमारा काम है। वही उड़ने वाले दोनों पक्षी इन सारे जानवरों को मारने के लिए खाई के ऊपर एक
पुल बना देते हैं जिससे कि दबके ये सारे जानवर मर जाए और इन उड़ने वाले पक्षियों का खाना बन जाए। दूसरी तरफ बोट के अंदर फिनी और लिया के पेरेंट्स मिलके यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बना रहे थे। प्लान के मुताबिक ये दोनों लड़ने की एक्टिंग करते हैं, जिस चक्कर के अंदर सिक्योरिटी अंदर आ जाते हैं, जहाँ ये दोनों ही जेल से बाहर निकलते ही उस सिक्योरिटी को अंदर गेट में बंद कर देते हैं और खुद दोनों बाहर आ जाते हैं। ये दोनों ही सबसे पहले कैप्टन के रूम में जाते हैं उसे समझाने के लिए। फिनी के डैड लिया के मॉम की बात नहीं मानते और सीधा कैप्टन के पास चले जाते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए कि प्लीज आप बोट मोड़िए और हमारे बच्चों को लेके आने दीजिए, लेकिन कैप्टन ये बात मानने से मना कर देता है। कैप्टन अब गुस्सा हो चुका था और इसी के साथ में लालची भी, इसी के कारण वो फिनी को खाने के लिए आगे बढ़ता है। सही टाइम पे लिया की मॉम आ जाती है जो कि कैप्टन को वहीं बेहोश कर देती है। अब ये दोनों ही मिलके पूरी बोट को घुमा देते हैं और सीधा आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। फिनी और उसके दोस्त जब उस ब्रिज से निकलने वाले थे तो उसी ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं और वजन ज्यादा होने के कारण वो ब्रिज टूट जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो जो पत्थर आके गिरे थे वो उन्हीं दोनों पक्षियों के ऊपर आके गिरे थे। फिनी ने इस रास्ते को पार करने के लिए एक नया गैजेट बनाया था जिसकी मदद से अब ये सारे एनिमल्स दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। लिया फिनी के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि ये एनिमल्स इतने ज्यादा स्लो है कि इनके चक्कर में मैं यहीं पे फंस जाऊंगी और मुझे इनके साथ नहीं जाना, जिसके बाद लिया आगे अकेली बढ़ने लगती है। रास्ते के अंदर उसका पैर फिसल जाता है और वो बस एक पेड़ की टहनी से लटक जाती है, लेकिन इतनी ही देर में पीछे से फिनी और ओबीसी पहुंच जाते हैं। ओबीसी अपनी टंग की मदद से लिया को ऊपर ले लेता है और अब लिया को काफी ज्यादा गिल्ट होता है कि उसने इन दोस्तों के बारे में गलत सोचा। इन सभी की अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। आगे बढ़ते बढ़ते इनके सामने एक बहुत ही शानदार गुफा आती है, लेकिन वो पूरी गुफा शाइन करने लगती है, वो भी फिनी के कलर से, क्योंकि फिनी अंधेरे के अंदर शाइन करता था। ओबीसी के थकने के कारण ये सब आज की रात यहीं पे रुकने का डिसाइड करते हैं। फिनी इतना ज्यादा स्मार्ट था कि कुछ ही देर के अंदर वो वहाँ पे रखी हुई चीजों से सबके सोने का इंतजाम कर देता है। अगली मॉर्निंग जब फिनी उठता है तो उसे पता चलता है कि इस पूरी गुफा के अंदर तो लीकेज है और जल्द ये पूरी गुफा भरने वाली है। सारे जानवर अपनी जान बचा के भागने लगते हैं क्योंकि पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो सारे के सारे पानी के साथ में ही बाहर निकलने लगते हैं और जाके सीधा उन उड़ने वाले पक्षियों के घर पे गिरते हैं। वो दोनों बदमाश ऑलमोस्ट फिनी और लिया को खाने ही वाले थे, लेकिन इतनी देर में पीछे से ओबीसी आता है जो कि उन दोनों पक्षियों को लेके सीधा पानी में गिर जाता है। फिनी को बहुत टेंशन होती है कि आखिर वो कहां जाके मिलेंगे हमें और उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन अब ये पूरा आइलैंड डूबने लगा था। इसी के कारण फिनी लिया को लेके आगे बढ़ने लगता है। ये एक ऐसा माउंटेन था जिसके ऊपर बहुत ज्यादा आइस थी, धीरे धीरे करके ये माउंटेन भी डूबने लगा था। सारे माउंटेन्स उनके पीछे रह जाते हैं और वो दोनों बस एक बर्फ के टुकड़े पे बिल्कुल पानी के बीच में आ जाते हैं। अब आखिर इनकी मदद यहाँ पे कौन करेगा? लिया कहती है कि चाहे कुछ भी हो, इतनी सारी मुसीबतों के बाद में भी तुम हमेशा मेरे साथ ही थे। ये दोनों खुश हो ही रहे थे कि तभी इन्हें पता चलता है कि बोट इन्हें लेने के लिए वापस आई है। ये दोनों उछलने कूदने लगते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो बोट इन्हें देख ही नहीं पाएगी। फिनी लिया को कहता है कि मुझे बस बहुत जोर से डराओ, इतना जोर से कि मेरे डरने वाली गैस बाहर निकल जाए। तभी वहाँ से फिनी गैस छोड़ता है और फिनी और लिया के पेरेंट्स उस गैस को देख के पहचान जाते हैं कि उनके बच्चे आखिर कहाँ पे है। बोट आखिरकार इन बच्चों के पास आ गई थी। फिनी तो फटाफट चढ़ जाता है, लेकिन लिया पीछे रह जाती है। लिया को बचाने के चक्कर में फिनी वापस से उसके पास जंप करता है। लिया तो नाव में चढ़ जाती है, लेकिन फिनी पीछे रह जाता है क्योंकि वो बर्फ का टुकड़ा भी टूटने लगा था। पानी में गिरने के बाद फिनी बेहोश हो जाता है और पानी के अंदर गिरने लगता है। लिया की मॉम लिया को बोट के अंदर ले आती है, लेकिन फिनी के डैड को पता चलता है कि फिनी पानी के अंदर गिर गया है। वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा पानी के अंदर जंप कर जाते हैं, जबकि उन्हें तैरना भी नहीं आता था। लिया और उसकी मॉम को तैरना आता था और उन्हें पता चलता है कि इन दोनों को ही तैरना नहीं आता, इसी के कारण ये दोनों भी जंप कर जाते हैं। पानी में जाने के बाद इन्हें दिखता है कि फिनी के डैड ने फिनी को गोद में ले रखा है, क्योंकि फिनी शायद डूब के मर गया है। लिया भी यहाँ पे जोर जोर से रोने लगती है और पता चलता है कि फिनी मरा नहीं था बल्कि वो जिंदा था। फिनी और उसके डैड को पता चलता है कि वो असल के अंदर पानी में रहने वाले जानवर है, क्योंकि वो पानी में सांस ले रहे थे। आज से पहले ये दोनों कभी पानी में गए ही नहीं थे, जहाँ पानी के अंदर ही उन्हें ओबीसी और स्टेपवुड भी मिल जाते हैं और वो दोनों भी पानी के ही क्रिएचर्स थे। ये सारे के सारे मिलके लिया और उसकी मॉम को बोट के अंदर वापस से भेज देते हैं। फिनी और उसके फादर पानी के अंदर अपने नए घर में बहुत खुश थे। कैप्टन अब इन दोनों को जब पानी में देखते हैं तो बताते हैं कि शायद यही कारण हो सकता है कि इन दोनों का नाम लिस्ट में नहीं हो। लिया अपने फ्रेंड के लिए बहुत खुश थी। और इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इसके सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए टाटा।